हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, यानी कि ओवरी एब्सेंट होती है। इनका ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुआ, मगर जिम्नोस्पर्म फ्लोरिश हुए जुरैसिक और क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा में। ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हैबिटेट, जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक होते हैं और इक्वेटोरियल रीजन एंड हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेजेंट होते हैं। हैबिट, मोस्टली जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन ट्री और श्रब होते हैं। इनमें जीरोफिटिक एडेप्टेशंस प्रेजेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिम्नोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि जिम्नोस्पर्म का जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। जिम्नोस्पर्म में नॉर्मल रूट के अलावा कोरेलॉइड और माइकोराइजर रूट प्रेजेंट होती हैं। कोरेलॉइड रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गी प्रेजेंट होती है, जो कि साइकस में होता है। साइकस में हमें कोरेलॉइड रूट देखने को मिलती है। माइकोराइजल रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई होती है और यह पाइनस में देखने को मिलती है। एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब प्रेजेंट होती है तो ये एंडोफाइटिक होती है, जबकि फंजाई एपिफाइटिक होती है। स्टेम, जिम्नोस्पर्म्स का स्टेम इरेक्ट, प्रोफ्यूजली ब्रांच एंड वुडी होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइकस में स्टेम अनब्रांच होता है और ज़ेविया में ट्यूबरस होता है। स्टेम में लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब लीफ शेड होती है तो वो स्टेम पर एक स्कार छोड़ देती है, जिसे लीफ स्कार कहते हैं। लीव्स, जिम्नोस्पर्म में लीव्स डायमॉर्फिक होती हैं, यानी कि दो तरह की लीफ हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती हैं, फॉलिएज एंड स्केली लीव्स। फॉलिएज लीव्स ग्रीन, सिंपल, निडल शेप और पिनेटली कंपाउंड होती हैं। निडल शेप माइनस में और पिनेटली कंपाउंड साइकस में प्रेजेंट होती हैं। स्केली लीव्स माइन्यूट, ब्राउन, थिन एंड डेसिड्रस होती हैं। फॉलिएज लीव ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, जबकि स्केली लीव्स ब्राउन हैं और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, सबसे पहले रूट के एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। रूट में जाइलम डायआर्क टू पॉलीआर्क प्रेजेंट होता है और कॉर्टेक्स में टैनिफेरस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये कोलेट्रल और ओपन टाइप का होता है। कोलेट्रल का मतलब है जाइलम और फ्लोयम लेटरली प्रेजेंट होते हैं, और ओपन का मतलब है जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जाइलम ट्रकीज और पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है।
इसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। फ्लोयम सीव ट्यूब्स और पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। सभी जिम्नोस्पर्म में जाइलम में वेसल्स और फ्लोयम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। नीटेल्स में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म में नीटेल्स एक्सेप्शन है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी सभी जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और कंपेनियन सेल फ्लोयम में एब्सेंट होती हैं। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। दो तरह की वुड पाई जाती है, मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मैनोजाइलिक वुड में पैरेन्काइमेटस लेजन लार्जर होता है देन पिक्नोजाइलिक वुड। पिक्नोजाइलिक वुड में सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा होती है। मैनोजाइलिक वुड साइकस में मिलती है और पिक्नोजाइलिक वुड पाइनस में मिलती है। लीव्स में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और थिक क्यूटिकल के साथ में संकर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। थिक क्यूटिकल और संकर स्टोमेटा ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशन है, जो हमने पहले बात की कि सभी जिम्नोस्पर्म ज़ीरोफिटिक होते हैं। लीव्स में लेटरल वेन्स एब्सेंट होती हैं, सिर्फ मिड वेन प्रेजेंट होती है। और लेटरल वेन्स का काम लीव्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज करते हैं। रिप्रोडक्शन, जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है, यानी कि दो प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजिया में होता है। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल्स पर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स पर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स एग्रीगेट होकर मेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मेगास्पोरोफिल्स एग्रीगेट होकर फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। मेल एंड फीमेल कोन, जिम्नोस्पर्म में मेल कोन शॉर्ट लिव्ड होती है, जबकि फीमेल कोन लिव फॉर मैनी ईयर्स। फीमेल कोन बहुत साल तक लाइफ रहती है, जबकि मेल कोन बहुत कम टाइम के लिए लाइफ रहते हैं। फीमेल कोन फॉलियर और कॉलाइन हो सकती है। साइकस में फीमेल कोन फॉलियर होती है और पाइनस में फीमेल कोन कॉलाइन होती है। जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है और आर्किगोनिया सिंगल एग और वेंट्रल कैनाल सेल से फॉर्म होती है। नीटम में आर्किगोनिया सिर्फ ओवम से फॉर्म होती है। जिम्नोस्पर्म्स में नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती हैं। मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम जो है वो सिर्फ ओव्यूल होता है, यानी कि ओव्यूल को ही जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है और यूनिटैक्विक होता है। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में यूनिटैक्विक टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, बट नीटेल्स में बाइटैक्विक होता है। जिम्नोस्पर्म ने यूनिटैक्विक ओव्यूल में थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं,
ये थ्री लेयर्स मैम आउटर एंड इनर फ्लैशी होती है, जबकि मिडिल लेयर स्टोनी होती है। पॉलिनेशन, जिम्नोस्पर्म्स में विन पॉलिनेशन होता है और पॉलन ग्रेन्स पॉलन चैम्बर में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होने के बाद। फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म में साइफोनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब दो फंक्शन करती है, ये एज अ होस्टोरियल और अ स्पर्म कैरियर। साइकस में यह होस्टोरिया की तरह से काम करती है और पाइनस में स्पर्म कैरियर की तरह से काम करती है। जाइगोट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक टाइप का होता है, यानी कि जाइगोट के किसी पार्ट से कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एब्सेंट होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म्स में वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि मोर देन वन एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे मोर देन वन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या फिर जाइगोट डिवीजन करके काफ़ी सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं। ओव्यूल डेवलप होता है सीड में और जो ओव्यूलर इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। सीड्स, सीड्स में नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स डिफरेंट होते हैं, जैसे वन और टू साइकस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैनी कॉटिलिडन्स पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। सीड थ्री फेजेस को, लाइफ साइकिल की थ्री फेजेस को रिप्रेजेंट करता है। सीड के थ्री पार्ट्स हैं, पहला है इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस, दूसरा है एंडोस्पर्म जो इंटेग्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और थर्ड है एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जो इंटेग्यूमेंट है या सीड कोट है वो रिप्रेजेंट करता है मदर स्पोरोफिटिक फेज को, एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक फेज को, और एम्ब्रियो रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज को। इस तरह से एक सीड थ्री फेजेस को रिप्रेजेंट करता है लाइफ साइकिल को, जिसमें पुरानी वाली स्पोरोफिटिक फेज है और आने वाली स्पोरोफिटिक फेज भी है और एक गैमेटोफिटिक फेज प्रेजेंट होती है। थैंक यू।